दोस्तों 20,000 रुपये एक ऐसा बजट है जिसके अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल है, और यूजुअली जब भी एक नॉर्मल इंसान स्मार्टफोन लेने जाता है तो उसका बजट 20 से 25,000 होता है। उन लोगों के लिए जिनका बजट है 20,000 रुपये, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 3 तगड़े वाले फोन जिनमें कैमरा, डिस्प्ले, गेमिंग वगैरह सब आपकी भयंकर लेवल की है, आपका प्रोसेसर बहुत अच्छा है। तो वेलकम बैक टू द टेक मोज़, जहाँ होती है सीधी बात, नो बकवास, और बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। उससे पहले थोड़ा सा रहम करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, वरना तो आपको पता है कि पाप बहुत ज्यादा लगता है। तो बिना देरी के बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर का स्मार्टफोन है Realme की तरफ से आने वाला Realme X7। एक अच्छा, बहुत अच्छा, डिसेंट डिवाइस ये है। इसमें आपको मिल जाती है 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो एकदम चिकना सा और अच्छा सा एक्सपीरियंस आपको दे देगी। गेमिंग वगैरह आप कुछ भी करते हो तो भाई देखने में एकदम मजा आएगा। वहीं पर कैमरा लवर्स के लिए इस फोन में मिल जाता है एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें लगाए गए हैं 64, 8 और 2 मेगापिक्सल के 3 कैमरा सेंसर, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी सेंसर भी लगाया गया है आपकी एकदम मस्त वाली सेल्फीज वगैरह लेने के लिए, जिन्हें आप अपने इंस्टा वगैरह अपलोड कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के वहां पर भी फॉलो कर लेना। और वहीं पर ये डिवाइस अपने साथ में लेकर के आता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U 5G प्रोसेसर ये है, और जो आपकी गेमिंग वगैरह है जैसे कि पबजी भी जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, और आपको न्यूज ऑलरेडी मिली चुके हैं, नहीं मिली तो अभी तो जाकर के वीडियो देख लेना, मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक डाल दूंगा, तो आप अपने पबजी वगैरह COD सब कुछ एकदम बिंदास इसमें खेल पाएंगे। प्रोसेसर काफ़ी दमदार है। वहीं पर 4310 mAh की बैटरी आपको से मिल जाती है। ये थोड़ा सा छोटा नंबर मुझे लगा, क्योंकि 4310 mAh विद सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 6.4 इंच की डिस्प्ले है, तो बैटरी का नंबर थोड़ा छोटा हो जाता है, बट आपका फ़ोन एक दिन चल जाएगा अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो। वहीं पर 50W का चार्जिंग सपोर्ट इसमें हमें मिल जाता है। जो चार्जर है वो काफ़ी तगड़ा सा है और एकदम बढ़िया स्पीड में आपके फ़ोन को चार्ज कर देगा। इस फोन का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव है, और आपको 17,999 की कॉस्ट पर मिल जाता है, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जिनका बजट कोई 18 से 20,000 रुपए का यहाँ पर होने वाला है। और वहीं पर अगर एकदम प्योर दो नंबर के डिवाइस की बात करें, मेरा मतलब सेकंड नंबर के डिवाइस की बात करें, तो मोटोरोला की तरफ से आने वाला Moto G60 यहाँ पर होने वाला है सेकंड नंबर में, जिसमें हमें मिल जाती है 6.8 इंचेस की IPS डिस्प्ले, जो कि आती है फास्ट 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। तो जो इसका रिफ्रेश रेट है वो काफी तगड़ा है, एकदम स्मूथ सा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आप हाई लेवल की गेमिंग अगर करते हो तो उसका एनिमेशन वगैरह एकदम भाई मक्खन की तरह जाने वाला है। वहीं पर 3-3 कैमरा इसमें भी आपको मिल जाता है इसके रियर साइड में, जो कि होने वाले हैं 108, 8 और 2 के 3 सेंसर यहाँ पर मिल जाते हैं। वहीं पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर इसमें मिल रहा है यूजर्स को, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। कैमरा सेंट्रिक डिवाइस आप इसे बोल सकते हो, और सिर्फ इसके कैमरा की वजह से जो अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताए थे 3 ऐसे डिवाइस जो कि 20,000 के अंदर आने वाले हैं और जो कैमरा सेंट्रिक ही है, तो मैंने मोटोरोला की G60 को वहां पर भी प्लेस किया था। तो ये एक अच्छा कैमरा सेंट्रिक डिवाइस, और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर इसे एक अच्छा ऑप्शन बना देता है सेल्फी लवर्स के लिए भी, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। वहीं पर 6000 mAh की बैटरी आपको मिल रही है भाई, ये बहुत तगड़ी बात है, क्योंकि आपका फोन 6000 mAh की बैटरी के साथ में वो लंबे समय तक चलता जाएगा। आप अभी लो 2025 तक बिंदास चलाना। पर वहीं पर एक बहुत छोटी सी बात मोटोरोला ने कर दी, क्योंकि इसके साथ में आ रहा है हमारा एक 20W का फास्ट चार्जर। अभी इसे फास्ट चार्जर कहूं या नहीं ये आप लोग खुद से डिसाइड कर ले, मुझे कमेंट करके बताना कि ये फास्ट चार्जर होने वाला है या फिर नहीं। और अगर बात की जाए मोटोरोला G60 के प्रोसेसर की, तो यहां पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G मिल जाता है। काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर है, आप कैसी भी गेमिंग करते हो, चाहे हाई लेवल की या फिर एकदम मतलब ठीक ठाक वाली कर लेते हो, तो भी आपका फ़ोन कोई भी लैग आपको नहीं देगा और एकदम मस्त मक्खन सा चलता जाएगा, दूर तक चलता जाएगा, जब तक आपका फ़ोन ज्वालामुखी की तरह हीट नहीं हो जाता। उसके बाद अगर फट जाता है तो आकर के मुझे गालियां मत देना। क्योंकि ऐसा हो जाता है, ठीक है, फोन है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, बट ऐसा आपके साथ में आई होप ना हो और ये फोन आपका बहुत दूर तक चले। कि जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर ये फोन आपको 17,999 रुपए में अवेलेबल है मार्केट में, आप बिल्कुल ले सकते हैं, अच्छा डिवाइस यहाँ पर होगा। बट मोटोरोला के फोन के साथ में थोड़ा सा इशू रहा है, उसके बैक कवर्स वगैरह बहुत अच्छे वाले नहीं मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख करके चलना। और अब बात कर लेते हैं अपने नंबर 1 डिवाइस के बारे में, जो कि है हमारा सबका चहेता MI की तरफ से आने वाला MI Note 10 Pro। एकदम तगड़ा ऑप्शन है, आप आंख बंद करके इस डिवाइस को ले सकते हैं, जिसमें मिल जाते हैं 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पर Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन,
और ये भी आती है अपने साथ में 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ में। तो भाई सब कुछ एकदम भर भर के एमआई ने दे रखा है। वहीं पर अगर कैमरा पर नजर डालिए तो इसमें 108 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर तो मिल ही जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसके रियर साइड में 3 सेंसर और दिए गए हैं जो कि है 8, 5 और 2, यानी कि आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा इसके रियर साइड में और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर भी मिल जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ एकदम अच्छा नजर आ रहा है। और वहीं पर 5020 यानी कि 5020mAh की बैटरी इसे और भी अच्छा ऑप्शन बना देती है। ये एक डिसेंट सा नंबर आप बैटरी का बोल सकते हो कि आपका फोन 1 से 1.5 दिन इजीली सरवाइव कर जाएगा अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो। और वहीं पर ये फोन अपने साथ में 33 वॉट का फास्ट चार्जर भी लेकर के आता है, तो ये तो काफी तगड़े वाली बात हो जाती है। और वहीं पर गेमिंग लवर्स के लिए स्नैपड्रैगन 732G ये प्रोसेसर इसमें दिया जा रहा है, एकदम इजीली आपकी गेमिंग वगैरह करा देगा और बिल्कुल आपके मजे आ जाने वाले हैं। और यहाँ पर MI Note 10 Pro Max को फर्स्ट नंबर पर रखने का एक बड़ा रीजन है इसकी कॉस्ट, क्योंकि इसका जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है ये आपको 17,000 रुपये का मिल जाएगा। तो प्राइस वाइज ये फोन काफ़ी अच्छा है और मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा अगर आप तीनों में से कोई भी डिवाइस लेना चाहते हो तो इस पर बिल्कुल एक बार नजर डाल लेना। बाकी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है, आप रियलमी के लिए भी जा सकते हैं और मोटो के लिए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने एक डिवाइस अपने लिए चूज कर लिया हो। कमेंट करके जरूर बताना आप कौन सी डिवाइस लेने वाले हो, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो आगे भी लाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाओ, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सीधी आप तक पहुंचती रहे। मिलता हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।